हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज हम क्या करने वाले हैं आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हैं मेरे भैया जो है झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि दोबारा मेरा बहुत गंदा हो गया था। और फ्रेंड, ये मेरी मम्मी है, मम्मी मेरी धनिया साफ कर रही हैं और हम बना रहे हैं ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड, मैंने कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो मेरा ऑर्डर आ गया है। क्या मैंने ऑर्डर किया था आप लोगों को मैं दिखाने जा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे सिस्टर को नहीं ऑर्डर किया था, आपको बैक कैमरा से दिखा। देख सकते हैं मेरी सिस्टर ने जो साड़ी पहन रखी है, यही साड़ी मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या आप लोग जानते हैं वो क्या है क्या नहीं है? आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, फिर आप लोग देख कर बताइएगा कि क्या है। आपको मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, लगे हैं बहुत बड़े बड़े से फल लगे हुए हैं। ये देखो वहाँ भी लगे हैं। तो आज मेरा मन हो रहा है इसको खाने का, तो मैं इसको आज तोड़ूंगी और फिर खाऊंगी। तो फ्रेंड, क्या है ये फल आप लोगों को पता है? ऐसे तो पेड़ में लगे, लेकिन तो आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं होगा। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि खाने का भी मन है मेरा। सब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। सब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे तोड़ने जा रही थी एक फल और यहाँ पे टूट गए हैं दो फल। तो फिर आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये क्या है। आज इसको मैं छीलूंगी फिर खाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या है, कैसा निकलता है। तो फिर पता है फल भी लगे हुए हैं अभी पेड़ में, और आप लोग देख सकते हैं इसमें फूल भी आ रहा है। तो इसमें फल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक ये खत्म होंगे तब तक और भी आ जाएंगे। छोटे छोटे लगे भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए फल, और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे फल अभी लगे हुए हैं। तो चलते हैं जल्दी से इसको छीलते हैं, क्या इसके अंदर निकलता है। तो फ्रेंड, खाने की तैयारी हो गई, इसको मैं जा रही हूँ छीलने। और देख सकते हैं आप लोग, खाने के लिए नमक भी साथ में लिया हूँ। तो तो फ्रेंड, देख सकते हैं तो क्या है, आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है। तो फ्रेंड, किसको किसको खाना है जल्दी से आ जाए, जिसको खाना है। मम्मी खाओगे, दादा खाओगे, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, मीठा होना चाहिए था पर ये तो खट्टा निकल गया, क्योंकि ये कच्चा है। अब चाहे जिंदगी, अब आगे हम क्या करते हैं इसको जल्दी से खाएंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे आप लोगों का हम फिर दिखाएंगे। हम हैं बाजारों के, सबकी नजर हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है। तो फ्रेंड, आज फिर से हम आ गए अपनी भैंसिया के पास, क्योंकि इसको भी चारा पानी देना था। तो फ्रेंड, भैंस पालना मतलब कि जरूरी नहीं है कि भैंस ही पालो, गाय भी पाल सकते हो। जानवर पालना बहुत जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड, आप लोग जान सकते हैं कि सबके घर में खाना कुछ ना कुछ तो जरूर बच जाता है। तो उसको इधर उधर ना फेंक कर जानवरों को खिला दिया जाए तो कितना अच्छा रहता है। तो इसीलिए फ्रेंड, हमारे यहाँ भैंस पली हुई है, ताकि जो भी खाना बचे तो इस भैंस को खिला दिया जाए, इधर उधर ना फेंका जाए। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं जो हम लेके आए हैं, जो भी बचा हुआ खाना है तो इस भैंस को हम खिला देंगे, भैंस मेरी खा लेगी और इसको पानी पिला देंगे, उसके बाद चलते हैं।
सी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए 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 हम ना आए ऐसे जी। तो फाइनली फ्रेंड हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भाभी और मम्मी की साड़ी में फॉल लगाने। तो साड़ी में फॉल कैसे लगाई जाती है ये हम आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए 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 हम ना आए। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ चारा काटने भैंस के लिए अपने। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये है बछिया, उसको काटेंगे फिर भूसे में मिक्स करके भैंस को खिलाएंगे। जल्दी से काट लेते हैं। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जा रही थी साड़ी में फॉल लगाने और अचानक से चारा क्यों काटने चल गए। तो फ्रेंड भैंस को चारा देने का टाइम हो गया था, इस वजह से मैं चली आई भैंस को चारा देने। यहाँ से जाऊंगी तब मैं साड़ी में फॉल लगाऊंगी। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मैंने इतनी फॉल लगा ली है साड़ी में और अभी बाकी भी है। तो जैसे ही कंप्लीट होती है हम आपको पूरी साड़ी ओपन करके दिखाएंगे कि हमारी साड़ी कैसी है। साड़ी में फॉल लगा पाई हूँ, शाम हो गई है तो ये मैंने भाभी की साड़ी कंप्लीट कर दी है और मम्मी की साड़ी अभी बची हुई है। तो मम्मी की साड़ी में हम कल लगाएंगे फॉल। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर।